हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा आप सब जानते हैं कि अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है और हर जगह से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हर जगह टेम्परेचर कहीं 42 डिग्री है, कहीं 43 डिग्री है, हमारे यहाँ तो 45-46 तक जा रहा है। और इस मौसम में सबसे डिफ़िकल्ट काम हमारा है क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन फील्ड से आते हैं। और अगर इस टाइम पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो कंक्रीट है उसका पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाएगा और हमारा कंक्रीट जल्दी सूख जाएगा, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस समर के मौसम में जो कि टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, या फिर जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, यानी कि हमारा जो ब्रिक वर्क है, हमारा कॉलम बीम का काम है, स्लैब की कास्टिंग है, प्लास्टर वर्क है, इसमें आपको क्यूरिंग किस तरीके से करनी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्यूरिंग हमारे कंस्ट्रक्शन में, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में हमको अपने कंस्ट्रक्शन को क्यूरिंग करना ही होता है। जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, चाहे हमारा ब्रिक वर्क हो, कॉलम हो, बीम हो, लेकिन अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, 40 डिग्री है, 42 डिग्री है, तो उस समय आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन करते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। और स्पेशली मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस मौसम में अगर स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्लैब की कास्टिंग कितना ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे घर का छत लगना कितना ही जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए होता है, तो अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना है और क्या क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करना है। तो अगर आप वीडियो को इन तक देखते हैं तो आप पूरी वीडियो को अगर आप इन तक देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे कंस्ट्रक्शन इस टेम्परेचर में करना है। तो सबसे पहले हम बात करें ब्रिक वर्क के बारे में। देखिए, कोई भी मौसम हो, जब भी आप ब्रिक वर्क करें, हमारे यहाँ जनरली अभी ब्रिक वर्क रेड ब्रिक से हो रहा है, आप रेड ब्रिक करें, फ्लाई एस ब्रिक से ब्रिक वर्क करें, या फिर आप ए एस सी ब्रिक जो आप यूज करें, सब में यही है कि आपको क्यूरिंग करना होता है। लेकिन मैं बात करूंगा अभी सिर्फ रेड ब्रिक के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर रेड ब्रिक से यूज हो रहा है, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में अभी रेड ब्रिक यूज किया जा रहा है। तो देखिए, रेड ब्रिक क्या है कि ये भट्ठे में पका होता है, ईंट से पक्कर बनता है, यानी ये पहले से बहुत सूखा हुआ है। और कोई भी मौसम हो, जब आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिक वर्क करना है, तो आपको ब्रिक की क्यूरिंग अच्छे से करनी होती है। पर हम थोड़े ठंड के मौसम में अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरिंग नहीं करते हैं, करते हैं पर अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। देखिए, जब ईंट हमारा एकदम सूखा होगा, मौसम भी एकदम हमारा गर्म होगा, हम जैसे ही मोटार लगाएंगे, मोटार का पानी, मसाले का पानी हमारा ब्रिक एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो उसका सही तरीका क्या है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ईंट का लॉट जैसे ही उतरा, वैसे ही हमको मालूम है कि मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद ब्रिक वर्क करूंगा, पर मैंने आज से ही अपने साइट्स पर जो भी ब्रिक हमारे नए आ रहे हैं, अनलोड होने के बाद मैं उनकी क्यूरिंग स्टार्ट कर देता हूं, और दोनों टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे एक वर्कर को सिर्फ क्यूरिंग के लिए लगा दिया गया है, पूरे ब्रिक को अच्छे से क्यूरिंग कर देना है, अच्छे से क्यूरिंग कर देना इन द सेंस कि उसमें पानी की नमी इस तरीके से लॉक कर देनी है कि जल्दी से पानी सूखे ना, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी सूख जाएगा। लेकिन पहले से ब्रिक सूखा हो, मोटार का पानी जल्दी एब्जॉर्ब कर जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ब्रिक अच्छे से पानी में क्यूरिंग किए होंगे आप, और क्यूरिंग करने के बाद फिर आप ब्रिक वर्क करते हैं, तो फिर आपके लिए इजी हो सकता है। अच्छा, क्यूरिंग तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले क्यूरिंग करना है, लेकिन ब्रिक वर्क होने के बाद भी आपको क्यूरिंग करना है, कम से कम आपको 14 दिन तक क्यूरिंग करनी है। गर्मी का मौसम है तो आप 14 दिन तक करिए, अगर आप ठंड के मौसम में कर रहे हैं, अगर आप 10 दिन तक कंटिन्यू क्यूरिंग कर देंगे तो उसमें इतनी क्यूरिंग लॉक हो जाती है कि वो 14-15-16 दिन तक क्यूरिंग उसमें नमी रहती है। लेकिन अगर आप गर्मी का काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो आपको कम से कम 14 दिन तक क्यूरिंग करना है। उसके क्यूरिंग 14 दिन बहुत प्रॉपर तरीके से करना है, करना तो आपको टोटल 28 डेज है, लेकिन 14 दिन आपको दिन में 3 टाइम करना है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से पानी तुरंत जो है सूख जाएगा, और हमारे मोटार को, हमारे सीमेंट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए।
पानी चाहिए, तो इसलिए आपको क्या है कम से कम 14 दिन तक दिन में तीनों टाइम क्यूरिंग करना है। अच्छा, अगर आप क्यूरिंग अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कोई प्लास्टिक का शेड बना लें, ताकि बहुत ज़्यादा सन की जो रेज है, जो सूरज की किरणें हैं, वो डायरेक्ट आपके ब्रिक वर्क पे ना पड़े, तो आप कवरिंग कर लें। कई जगह क्या होता है कि हमारा स्ट्रक्चर पहले तैयार हो जाता है, हमारे बीम कॉलम पहले तैयार हो गए, स्लैब की ढलाई हो गई, उसके बाद ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो उस पोजीशन पे क्या है कि सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे स्लैब से बहुत शेड मिलता है, बहुत जो है ढकाव मिलता है। लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्शन कि ब्रिक और कॉलम ये सारी चीज़ें एक साथ बन रही हैं, तो आपको किसी प्लास्टिक के शेड्स की कवरिंग लेनी चाहिए। अब बात करेंगे हम कॉलम के बारे में। कॉलम की कास्टिंग करने के बाद भी आप सबको पता है कि आपको 24 घंटे के बाद क्यूरिंग देना होता है, लेकिन कॉलम की कास्टिंग करने के बाद जब आप शटरिंग खोलें, तो शटरिंग खोलने के बाद दिन में तीन टाइम आप उस पर क्यूरिंग करें। और क्यूरिंग किस तरीके से करें, ऐसा नहीं कि सुबह आप उस पर पानी फेंक दिया फिर शाम को पानी फेंक दिया, ऐसे नहीं करना आपको। पहले आप उस पर उसको कॉलम को अच्छे से क्यूरिंग कर दें। क्यूरिंग करने के बाद उस पर जो हमारे जूट के बैग्स आते हैं, बोरे आते हैं, उनको अच्छे तरीके से उस पर राउंड अप कर दें, लपेट दें, और उसके बाद आप उस पर पानी डालेंगे, तो जो हमारे जूट के बैग्स हैं वो नमी को लॉक रखते हैं कुछ टाइम तक। या फिर कोई पानी का बड़ा थैला ले लें, उस पर पानी भर दें और बिल्कुल छोटा सा छेद कर दें, ताकि पानी धीरे 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 ऊपर की सतह पर गिरता रहेगा, तो नीचे की जो अंदर नमी आपने पहले से क्यूरिंग करके डाल रखी वो जल्दी वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा। और अगर आप शेयर की बनाते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कॉलम की वीडियोस में, कि आपको शेयर की बनाना चाहिए। शेयर की क्या है, आपने कॉलम की कास्टिंग कर दिया, कॉलम की कास्टिंग करने के जस्ट बाद आप एक ईंट लें और उसको वर्टिकली उसमें डाल दें, 4 इंच 5 इंच डीप करके डाल दें, 2 से 2.5 घंटे के बाद उसको फिर खींच करके निकाल लें। उसमें आपको एक गड्ढा बन जाएगा, वो गड्ढा ही शेयर की का काम करता है। उसमें एक तो आप पानी भर देंगे तो पानी देर तक उसमें भरा रहता है, दूसरा कि अगर आप शेयर की रखेंगे तो ऊपर जो आप इसकी कॉलम की ढलाई करेंगे उसकी पकड़ मजबूत होगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको कॉलम की कास्टिंग करनी है। अब बीम के बारे में भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। बीम की कास्टिंग करने के बाद पहले तो आप कोशिश करें कि बीम कॉलम की कास्टिंग करें तो आप ऊपर से एक शेड बना दें, अगर टेम्परेचर आपका 42-45 जा रहा है तो। उसके बाद क्यूरिंग उसकी भी आपको कम से कम 14 दिन तक करनी है, जूट बैग्स का यूज़ करना है, और दिन में तीन टाइम आपको प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करनी है। अब हम बात करते हैं स्लैब के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा स्लैब होता है, इम्पॉर्टेंट तो हमारे सारे के सारे RCC मेंबर हैं, पर स्लैब की कास्टिंग करने की क्यूरिंग करने के बाद क्यूरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बीम कॉलम पे क्या है कि देखिए, हमने बीम की ढलाई कर दी, कॉलम की ढलाई कर दी, तो हम ब्रिक वर्क करते हैं तो हम क्यूरिंग करते रहते हैं, लेकिन स्लैब की ढलाई करने के बाद हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, अब तो हम आराम कर सकते हैं। तो यहीं पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि हमारे स्लैब को भी, क्योंकि हम मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं, 5 इंच की ढलाई करते हैं, तो हमको कम से कम वहां पर जो है क्यूरिंग 15 दिन तक 14 दिन तक करनी चाहिए। और टेम्परेचर इतना ज्यादा है, अगर टेम्परेचर आपके वहां 35 डिग्री प्लस है, तो आप स्लैब की कास्टिंग कोशिश करें कि आप रात में करें, क्योंकि रात में टेम्परेचर डाउन होगा। दिन में करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करते जाएंगे, एक तरफ से कॉन्क्रीट सूखता जाएगा क्योंकि पानी वाष्प बनकर उड़ता जाएगा, कंक्रीट आपका कमज़ोर हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में स्ट्रेंथ गेन करने के लिए उसको क्यूरिंग चाहिए, और पहले ही पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो आप कोशिश करें कि आप रात में करें स्लैब की कास्टिंग। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो ऊपर शेड का यूज़ करें, ऊपर कोई शेड बनाएं, और पीछे से कॉन्क्रीटिंग होती जा रही है तो उसको प्लास्टिक से कवर अप करते जाएं, यानी उसको ढकते हुए जाएं। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप कुछ इस तरीके से सूरज और स्लैब के बीच में एक लेयर बनाएं, जिससे सूरज की किरणें कम से कम आपके स्लैब और आपके कंक्रीट पर पड़े। एक आप ऊपर शेड बना देंगे तो कंक्रीट की किरण, जो सूरज की किरणें हैं वो कंक्रीट पर जल्दी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद कंक्रीट करते जाएंगे और पीछे से प्लास्टिक से ढकते जाएंगे तो भी आपका कंक्रीट ढकता हुआ जाएगा। और आप उस पर पानी का छिड़काव कर दें, जैसे मान लीजिए आपने कंक्रीटिंग कर दी, एक घंटे हो गए, आधे घंटे हो गए, आप हल्का हल्का पानी के फुहारे ऊपर से दे करके उसको प्लास्टिक से ढक दें, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है आपका वाटर है वो वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका, वाष्पीकरण उसका नहीं होगा। अब लोग क्या करते हैं कि स्लैब की कास्टिंग तो मैंने करने के लिए तरीका बता दिया आपको, अब कास्टिंग करने के बाद लोग सुबह आके पानी डाल लेंगे, शाम को आके पानी डाल लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। ऐसे करने से सिर्फ आप टाइम और पानी दोनों का वेस्ट कर रहे हैं,
बाकी आपका कंक्रीट तो कमजोर हो ही रहा है। सही तरीका यह है कि छत की ढलाई के अगले दिन आप छत पर आएं, 1 और 10 रिश्तों का आप मसाला बनाएं, यानी 1 बैग सीमेंट का डालें, 10 बैग आप रेती यूज करें, मिक्स करें, मोर्टार बनाएं और जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरीके से आप पाउंडिंग करके पूरे छत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। कम से कम 2 इंच ऊंटा आप क्यारी बनाएं और फिर आप उसमें पानी भर दें। पानी भर देंगे तो फायदा ये है कि पानी 2 इंच अगर आप भर देते हैं तो पानी इतनी जल्दी तो उड़ेगा नहीं, प्रॉपर क्यूरिंग मिलती रहेगी और हर 2 दिन पर आकर आप छत पे चेक करें कि अगर पानी बहुत ज़्यादा हीट हो गया हो तो उसमें फिर नया पानी डाल दें, ठंडा पानी डाल दें, पानी कम हो गया हो तो पानी फिर से भर दें। तो उसमें कम मैन पावर से अच्छी तरीके से आप 14-15 दिन तक क्यूरिंग दे सकते हैं, ये सही तरीका है। अगर आप इस तरीके से करते हैं कम से कम 14 दिन तक तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। अब मैंने आप छत ढलाई के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रात में करें, कवर करके करें और कॉन्क्रीटिंग होने के बाद प्लास्टिक से ढक दें और पानी की छिड़काव करें, ये चीज़ें आप करें। अब हमारा आता है प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क करने से पहले भी जो हमारा ब्रिक वर्क है वो सूख जाता है, उसको अच्छे तरीके से क्यूरिंग कर दें। खूब अच्छे से 2 दिन पहले से उस पर आप पानी डालना स्टार्ट कर दें, प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग हो जाती है प्लास्टर वर्क तो फिर प्लास्टर कर दें। प्लास्टर करने के 1 दिन बाद से आप कम से कम 14 दिन तक आप उस पर क्यूरिंग करें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था, क्यूरिंग टाइम इन समर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।